नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक की तरफ से आ चुकी 12,500 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर नई सीधी भर्ती 2022 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आपको यहाँ पे कक्षा 8वीं लेवल से लेकर 10वीं लेवल, 12वीं लेवल, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल तक की जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाली है। अभी आगे हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और आप सभी को ग्रेजुएशन वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाइज और एज लिमिट के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ साथ सारी की सारी जानकारी पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज यहाँ पे जॉब के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, चाहें तो पोस्ट वाइज यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं लोकेशन वाइज, और अगर आपको सारी की सारी जॉब अपॉर्चुनिटी चेकआउट करनी है तो यहाँ पे आपको व्यू ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में बता देते हैं, देन आपको इसके नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं HDFC बैंक के ऑफिशियल पेज पे है, इसका लिंक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप लोग पर्टिकुलर लोकेशन, जॉब के टाइटल या जॉब के कोड से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 12,555 पोस्टें अभी के अभी अवेलेबल हैं। आप लोग चाहें तो इनके लिए अप्लाई की बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी जॉब्स हैं, काफ़ी सारी नंबर वैकेंसी हैं, काफ़ी सारी पोस्टें हैं और यहाँ पे आपको मैं सारी की सारी पोस्टों के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले इस वैकेंसी के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा ताकि आप लोग बिना किसी डाउट के इस वीडियो को आखिरी तक देख सकें। पहली और सबसे अच्छी बड़ी खास बात यह है कि 12,500 से भी ज़्यादा नंबर वैकेंसीज के ऊपर यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सेकेंड नंबर ये कि बिना किसी एग्ज़ाम के केवल और केवल पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू तो आप सभी का चयन होने वाला है, यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया काफ़ी इजी होने वाला है। आपकी एज 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में होनी चाहिए तो आप लोग आसानी से आवेदन कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो बिल्कुल फ्री होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको जॉब्स दिखाते जा रहा हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग जो है तो जिस भी जॉब के लिए यहाँ पे चाहें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अप्लाई कैसे करना है पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद आपको जॉब की डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पे देखें कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है और यहाँ पे आपको अप्लाई की बटन भी मिल रही है। सिंपली आपको एक बार अप्लाई की बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास एक पेज ओपन होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप लोगों ने लॉगिन नहीं किया है, इसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया तभी आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे इस जॉब के डिस्क्रिप्शन, स्किल और क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके सारी की सारी जानकारी देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई हैं, आप लोग इनको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक की तरफ से आ चुकी भर्ती फॉर्म 2022 के बारे में, जहां पे आपको प्यून की, सेल्समैन की, ड्राइवर की, ऑपरेटर की, क्लर्क की, मैनेजर की और भी बहुत सारी पोस्टें मिलने वाली हैं। वेतन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 17,500 से लेकर 55,550 और 1,18,000 रुपये तक ये बढ़ के जाने वाला है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग का वेतन देखने को मिलेगा। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और पोस्ट नेम आपको और भी ज़्यादा आगे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि 12,500 प्लस यहाँ पे इस बार वैकेंसी आप सभी के लिए आउट की गई है, जहाँ पर मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी परीक्षा के। आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे चयन होने वाला है। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है। आप लोग चाहें तो भारत के किसी भी राज्य से आवेदन फिल कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता कम से कम 18 साल
साल आपकी उम्र होनी चाहिए और मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। कैसे आवेदन करेंगे इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आप आएंगे। यहां पे आने के बाद देख सकते हैं HDFC बैंक रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए। आपको आवेदन करना है 12,552 से भी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग घर पर बैठ के किसी भी कंपनी के लिए काम करके पैसे कमाना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब की तलाश में है, तो लिंक यहां पे दे दिया गया है। आप लोग एक बार जरूर विजिट करें और इस जॉब के लिए अप्लाई जरूर करें। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो HDFC बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट आ चुकी है। 12,552 यहां पे नंबर वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें मिलेंगी। तो आपको बिजनेस डेवलपमेंट की, क्लर्क की, कलेक्शन ऑफिसर की, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की, फाइनेंस मैनेजर की, अकाउंटेंट की, PO की, एडमिनिस्ट्रेशन की और एनालिटिक्स की, साथ ही साथ असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, IT मैनेजर, हेड ऑफ ऑपरेशन और मैनेजर की पोस्टें यहां पे देखने को मिल जाएंगी। ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया रखा गया है। हु कैन अप्लाई टू मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि आपकी एज क्या रहेगी। कम से कम 18 और अधिक से अधिक 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन फिल कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो। इसके बाद बात करते हैं टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे के बारे में। क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका वेतन क्या रहेगा, वेतन 25,500 से 1,18,000 रुपये पर मंथ तक का आपको पे किया जाएगा। इसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएट हैं तो अलग अलग पोस्ट वैकेंसीज के लिए आवेदन फिल कर पाएंगे। देन आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो कि बिना किसी एग्ज़ाम के केवल और केवल इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो फॉर्म भरे जाने 1 जून से शुरू हो चुके हैं, जो कि 30 जून 2022 तक भरे जाएंगे। 30 जून 2022 आखिरी डेट है, आपको इस डेट तक कैसे भी करके अप्लाई जरूर से कर देना है। इम्पोर्टेंट लिंक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अप्लाई का, डाउनलोड नोटिफिकेशन का, वेबसाइट का। आपको आ जाना है rozgargyan.com की वेबसाइट पे। यहाँ पे आएंगे तो आपको HDFC बैंक की तरफ से आ चुके रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पे सारी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि HDFC बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिंक भी मिलेगा, जहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा। क्लिक हियर की बटन पे क्लिक करेंगे, सारी की सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएंगी। अप्लाई करना काफ़ी आसान है, लॉगिन करना पड़ेगा और इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इससे पहले आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी यहाँ पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन, स्किल और क्वालिफिकेशन जरूर से चेकआउट करें, और किस लोकेशन के लिए ये भी जरूर से चेकआउट करें। बिकॉज यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुंबई महाराष्ट्र इंडिया के लिए है, और इससे पहले वाली जो जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमने देखी वो भुवनेश्वर उड़ीसा इंडिया के लिए है। सेम ऐसे ही आपको आगे भी कई सारी यहाँ पे जॉब्स देखने को मिलेंगी, हैदराबाद तेलंगाना इंडिया के लिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए मुंबई महाराष्ट्र इंडिया के लिए, और इसके बाद यहाँ पे आपको कर्नाटका इंडिया के लिए, और इसके बाद यहाँ पे देखिए कर्नाटका इंडिया, उत्तर प्रदेश इंडिया, नोएडा के लिए, यानी कि यहाँ पे आपको भारत के सभी राज्यों की वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। अगर आप लोग अप्लाई करने का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है, जितना जल्दी हो सके कम्प्लीट करें, ताकि आपको आवेदन करने की वीडियो टाइमली प्रोवाइड करा दी जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।